किसी भी घर की खूबसूरती उसके इंटीरियर से होती है। वुडन फ्लोरिंग के साथ लग्जरी किचन और वॉशरूम के तमाम रेंज मार्केट में आ चुके हैं। अगर अभी तक आप अपने घर के लुक को बदलने का सिर्फ ख्याल कर रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो मेरा दावा है कि हमारी अगली रिपोर्ट आपको आपके घर के इंटीरियर को बदलने के लिए मजबूर कर देगी। सपनों का आशियाना बन जाने के बाद सोच ये होती है कि इंटीरियर कैसा होना चाहिए, एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, और बात जब लग्जरी किचन की होती है तो शायद सोच कुछ अलग ही हो जाती है। तो आज हम इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक और किचन से लेकर वॉशरूम तक पूरे कॉन्सेप्ट को रिसर्च करेंगे। फ्लैट की खरीदारी करनी है तो रिसर्च जरूरी है, क्योंकि बात आपके पैसे की है, लेकिन फ्लैट की खरीदारी के बाद रिसर्च उतनी ही बढ़ जाती है जितनी फ्लैट की खरीदारी से पहले। क्योंकि फ्लैट तो ले लिया, लेकिन अगर उसमें इंटीरियर का काम अच्छे से नहीं किया गया तो शायद खुद को भी घर अच्छा न लगे। घर की सजावट और सुंदरता के लिए कुछ न कुछ खर्च करना जारी रहता है, बात चाहे इंटीरियर की हो या एक्सटीरियर की। हर नई आइटम का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग्स हो या कोठी, वुडन फ्लोरिंग पहली पसंद बन रही है। बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक हर कोई चाह रहा है कि वुडन फ्लोरिंग ही लगाई जाए। वुडन फ्लोरिंग में काफी हद तक नेचुरल मटेरियल का यूज किया जा रहा है। घर के बाहर या छत के पास भी वुडन का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है, और इसके लिए भी काफी विकल्प तेजी से बढ़े हैं। अब जो इंजीनियर्ड फ्लोर्स हैं, एक तरह के फ्लोर्स हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इंडिया में जब वुड फ्लोर शुरू हुए थे तो इम्पोर्ट हो रहे थे, और लेमिनेट फ्लोरिंग वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आना शुरू हुआ था। बट जब अब लोगों ने फर्क देखना शुरू कर दिया और जो असली लकड़ी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लेमिनेट फ्लोरिंग की अपनी पॉपुलैरिटी नहीं है, बट इंजीनियर्ड फ्लोर्स या रियल वुड फ्लोर्स की, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीजिंग एक ट्रेंड है जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर हमने नोटिस किया है, पर्टिकुलरली ऊपर जो सेगमेंट है मार्केट का उसके अंदर। मार्केट में हर तरह के इंटीरियर और एक्सटीरियर की वैरायटी मौजूद है। हालांकि कई डिजाइन तो ऐसे हैं जिनमें आपको 100 से 150 तक की फ्लोरिंग में विकल्प मिल रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो फ्लोरिंग यूज की जा रही है करीब 30 साल की वारंटी है। फ्लोरिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि कंफर्टेबल हो और इसकी मेंटेनेंस भी आसान हो। ज्यादातर वुडन फ्लोरिंग में ओक, एश, वॉलनट की लकड़ी का यूज हो रहा है, और लगभग 80 से 90% इसका इंपोर्ट किया जाता है। हालांकि समय समय पर लकड़ी के फर्नीचर को लेकर एनवायरमेंट इश्यूज की भी बात की गई है, लेकिन फिलहाल दावा ये किया जा रहा है कि इन वुडन फ्लोरिंग से किसी भी तरह के एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता या एनवायरमेंट को लेकर इश्यू नहीं है। लकड़ी जब हम काटते हैं तो हमें ध्यान रखना है एनवायरमेंट का। तो क्या हो रहा है कि अगर हम रेगुलेटेड फॉरेस्ट या वो जंगल जहाँ पे पूरी रेगुलेशन है और जहाँ पे जिनको काटने से हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, अगर हम अपना रॉ मटेरियल उन जंगलों से सोर्स करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात ट्रू है कि अगर हम उन जंगलों से जहाँ से लकड़ी चोरी की लकड़ी आ रही है या इस तरह की लकड़ी आ रही है जो अनरेगुलेटेड अनलाइसेंस है, डेफिनेटली वो सस्ती पड़ती है। तो वो सस्ती पड़ती है तो अगर हम प्राइस कम करने के लिए अगर उन चीज़ों को सोर्स करके कंज्यूमर को देते हैं तो उससे डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। आप सोच रहे होंगे कि वुडन फ्लोरिंग की कीमत की बात, तो साफ है कि बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। रेट्स भी काफी वेरी करते हैं, लेकिन जहां पर रेट्स कम हैं, वहां वारंटी भी ज्यादा नहीं है। वुडन फ्लोरिंग के रेट्स की बात की जाए तो इंटीरियर वुडन फ्लोरिंग का रेट 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक है, जबकि एक्सटीरियर फ्लोरिंग का रेट 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। वुडन फ्लोरिंग के बाद बात करते हैं फ्लैट के उस हिस्से की जहां पर किसी भी हाउसवाइफ का सबसे अधिक समय बीतता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किचन की। नॉर्मल किचन में आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन जिस किचन की हम बात कर रहे हैं ये लग्जरी सेगमेंट में आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर ऐसी किचन आपके फ्लैट, कोठी या बंगलों में हो तो मान लीजिए जो पैसा आपने खर्च किया है वो पूरा हो गया। लग्जरी किचन में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, लॉन्ग लाइफ का वादा किया जा रहा है। लग्जरी किचन में हैंडल्स के साथ साथ हाई ग्लास लेमिनेट की फिनिशिंग है। किचन देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितना ओपन स्पेस है। किचन की स्पेस को हर कोने में बेहतरी से यूज किया गया है, और सबसे बड़ी बात ये
कि आपको सामान रखने की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस के लिहाज से देखा जाए तो इनबिल्ड फ्रिज और रेफ्रिजरेटर को बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। लग्जरी किचन में ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए अलग से टेबल दिया गया है, ताकि किचन में ही आप नाश्ता या लंच कर सकें। इस लग्जरी किचन में गैस का यूज करने के बाद इसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। लग्जरी किचन में हर छोटे से छोटे ड्रॉर में भी फिनिशिंग का पूरा ध्यान दिया गया है। हालांकि ये लग्जरी किचन जर्मनी में तैयार की जाती है और किसी भी फ्लैट या कोठी में अगर ऐसी किचन का काम करना है तो पूरी मैपिंग जर्मनी में होती है और 3-4 महीने में आपको ऐसी किचन तैयार कर दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि किचन तो काफी अच्छी है और फिनिशिंग के साथ साथ मटेरियल भी काफी अच्छा यूज किया गया है, तो कीमत भी ज्यादा होगी, तो आप सही सोच रहे हैं। लग्जरी किचन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7 लाख रुपए से शुरू होकर 50 लाख रुपए तक है। किचन के बाद आपको दिखाते हैं वॉशरूम की नई वैरायटी। ये जो आप वॉश बेसिन देख रहे हैं, किसी की भी इच्छा होती है कि ऐसा वॉश बेसिन हमारे घर पर भी हो। हालांकि इसको वॉशरूम की स्टाइलिंग के साथ पूरी मैचिंग करके तैयार किया गया है, ताकि मैचिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। पूरे वॉशरूम में नई तकनीक का यूज किया गया है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स में 90 डिग्री एजेस दिए गए हैं। दुनिया में पहली बार कोई ऐसी कंपनी एक कॉन्सेप्ट लेके आई है जिसमें वॉश बेसन, WC और उसका बेसन मिक्सर एक डिजाइन का है। अमूमन एक कस्टमर एक WC पसंद करता है, फिर उसकी मैचिंग ढूंढता है कि वॉश बेसन कहाँ पे मिलेगा, फिर उससे मैचिंग वॉश बेसन मिक्सर ढूंढता है। ये पहली कंपनी है जो पूरा कॉन्सेप्ट वॉश बेसन, WC और बेसन मिक्सर का लेके आई है। आज तक किसी भी कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट इम्प्रोवाइज नहीं करा था। हालांकि सभी प्रोडक्ट्स पर 3D हाइलाइटिंग डिजाइन देने की कोशिश की गई है। इन सभी प्रोडक्ट्स पर कलर्स के भी काफी अच्छे ऑप्शन हैं। ब्लैक और दूसरे वॉश बेसिन को अलग से भी ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम में यूज कर सकते हैं। ये जो आप शावर देख रहे हैं, काफी हद तक वॉशरूम को नई लुक दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वॉशरूम की हर वैरायटी मौजूद है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है। जहाँ तक हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें काफी बेसन हैं जो क्वार्ट्ज के बेसन हैं। क्वार्ट्ज से ज्यादा हार्ड मटेरियल इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड वॉश बेसन के अलावा जो WC's हैं वो सेरेमिक है। इसकी वारंटी कलर्स के हिसाब से 2 साल से 5 साल तक की है। और इसमें एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको और ज्यादा अगर कंपनियों में नहीं मिलता। हालांकि पूरे वॉशरूम में लगे प्रोडक्ट्स की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक है। यानी कहा जा सकता है कि लग्जरी आइटम के साथ साथ अपने वॉशरूम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमने आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर से लेकर लग्जरी किचन और लग्जरी वॉशरूम भी दिखाए, लेकिन बात जब लग्जरी आइटम की होती है तो जेब थोड़ी सी ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। लेकिन जब लग्जरी आइटम की खरीद होती है तो आपका घर, कोठी, बंगलो या फ्लैट लग्जरी ही लगता है। गौरव खोसला, जी मीडिया, दिल्ली।